अभी इस महाराजा के पास चलते हैं, तो यहाँ रानी से भी मिलेंगे और रानी की बेटियां भी होंगी, उनसे भी मिलेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अभी हूँ मुबारक मंडी पैलेस, तो चलते हैं हम अंदर। अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। पहले महाराजा के घर गए थे, वो महाराजा मिले नहीं हमें, तो अब हम दूसरे महाराजा के घर जा रहे हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इधर एंट्री नहीं कर रहे थे हमें। तो अभी हमने बात की उनसे, उनको बोला कि हमें एक छोटा सा व्लॉग बनाना है अपने, हमारे जितने भी इंस्टाग्राम फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली हो, उनके लिए बनाना है, तो आप प्लीज़ हमें जाने दो, नहीं तो हमारा ये व्लॉग भी पेंडिंग में हो जाएगा। तो उन्होंने फिर बोला कि कोई बात नहीं, जाओ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे व्यू देख सकते हो, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है। कोई बात नहीं, आप इस महाराजा के पास चलते हैं, तो यहाँ रानी से भी मिलेंगे और रानी की बेटियाँ भी होंगी, उनसे भी मिलेंगे। तो देखते हैं फिर अंदर जाके। अब काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो अब यहाँ पे कौन सा महाराजा वापस आएगा रहने के लिए और कौन सी रानी आने वाली है, तो अभी हम देखते हैं अंदर जाके, आपको दिखाते हैं कि ये पता नहीं क्या है। ऊपर काम चल रहा है, ओहो भाई देख सकते हो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि थोड़ा ध्यान से चलना, ऊपर से कुछ सामान गिर जाएगा। अब देखते हैं क्या चीज़ गिरती है ऊपर से। ओके गाइस, तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे महाराजा का घर। तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अब पता नहीं क्यों कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। लगता है इनको थोड़ा सा इस पैलेस को थोड़ा मॉडिफाई करना है, देख सकते हो। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि थोड़ा ध्यान से चलना, बड़ी मुश्किल से एंट्री मिली है, तो आप पता नहीं ऊपर से कोई चीज़ गिर ना जाए। तो ये देख सकते हो आप, और हमारे साथ हमारे सैम खान व्लॉग वो भी हैं, और आप देख सकते हो हमारे सैम खान व्लॉग को भी अपना यूट्यूब चैनल के लिए एक व्लॉग बना रहे हैं। सैम खान इधर देखो, हाय बोलो। हाय, यहाँ पे हमारे जो ये सिक्योरिटी गार्ड हैं यहाँ पैलेस के, तो ये हमें बोल रहे हैं अंदर जाने का मौका नहीं मिल रहा, तो ये बता रहे हैं कि रीज़न है यहाँ पे अंदर जाना नहीं चाहिए। तो अभी ये हमें बताएंगे कि जो यहाँ पे ईंट हैं, वो बोल रहे हैं कि ऊपर जो रॉड हैं, ईंट हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो जाके सर पे लगेगा, गिरेगा। तो अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें व्लॉग बनाना है, तो ये बताते हैं कि क्या मसला है। आप बताओ इनको सबको कि क्या वजह क्या है, कि क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे, परमिशन क्यों नहीं मिल रही। परमिशन ये है ना, इसमें आप हम लोग काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन पे, हमारी कंपनी ये बोलती है के अंदर किसी को जाने मत देना काम के वक्त। तुम्हारे ऊपर कुछ सीटा गिर जाएगा, तो इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। अच्छा, तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम चले भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर कुछ मतलब सामान गिरता भी है तो। आप देख सकते हो वहाँ पे, आप वहाँ पे देख सकते हो कि बहुत काम चल रहा है, बहुत बंदे, एक रॉड वगैरह ऊपर से गिर भी रहा है। तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर कुछ चीज़ गिरता भी है, अगर आपके सर पे लगती भी है कुछ कुछ मतलब खून वून आ भी जाता है कहीं पे, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो इन पे जिम्मेदार नहीं है, वो हम पे ही है। तो अब हम देखना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, ये भी इनकी बात सही है, क्योंकि ये भी सही बोल रहे हैं कि अंदर जाकर कोई चीज़ लग जाएगी, गिर जाएंगे हम तो गिर जाएंगे। हमारे सैम खान भी हैं, सैम खान भी थोड़ा परेशान है, तो क्या करें अब हम। तो सैम खान क्या किया जाए फिर, अभी देखते हैं फिलहाल। फिलहाल देखते हैं क्या पता, ये बोल रहे हैं कि कोई सिक्योरिटी गार्ड एक और ले आओ, तो वही कुछ करेंगे। तो इन्होंने मास्क भी पहना हुआ है, हमारा मास्क तो यहाँ पे है, हम अपना मास्क भी लगाते हैं। सबसे पहले मास्क लगाओ, व्लॉग तो बनता रहेगा, तो COVID-19 से बचने की कोशिश करो, कोरोना से बचो, व्लॉग बनता रहेगा बाद में। तो ओके गाइस, तो देखते हैं क्या प्लान बनता है, तो हम कोशिश करते हैं सिनेमैटिक व्यू भी लेंगे, तो देखते हैं, बाहर भी अच्छा व्यू है। तो
ओके गाइस, तो अब हम आपको बाहर से भी व्यू दिखा देते हैं क्योंकि अब अंदर नहीं जा सकते हैं, तो आपको हम पार्क दिखाते हैं, यहाँ पैलेस का पार्क दिखाते हैं आपको। ओके गाइस, लेट्स गो गाइस। तो अभी हम बाहर आ चुके हैं, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आई थिंक कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो आई थिंक 10 साल तक होगा, ठीक है। 10 साल के बाद आना, आप जितने भी व्लॉग देख रहे हो, तो अगर आपको आना हुआ जहाँ महाराजा जो पैलेस है, ये मुबारक मंडी पैलेस, तो आपको अगर यहाँ पे आना हुआ तो 10 ईयर के बाद आना, 10 ईयर से पहले पहले मत आना, नहीं तो आप भी हमारी तरह थोड़े खज्जल हो जाओगे, आपको अंदर जाने नहीं देंगे। तो और कोई फ़ायदा भी नहीं अंदर जाने का, ना हमें महाराजा मिला ना महारानी मिली। तो अब हम यहीं पे महाराजा महारानी का ये जो पार्क है वो दिखाते हैं कि इनका रोमांटिक टाइम कैसा टाइम स्पेंड होता था इवनिंग में, तो आपको हम अंदर से दिखाएंगे। तो अभी हम अंदर भी चलते हैं, देख रहे हो कितना अच्छा शेड पड़ रहा है, लगता है कि मेकअप किया हुआ, बट मेकअप नहीं किया हुआ, ये आईफोन का कमाल है, आईफोन का कमाल होता है ये, देख सकते हो आप आईफोन का कमाल, और आप व्यू भी देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है। वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, आप आओ थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, अंदर आपको देखने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें भी हैं, बाहर से आप वीडियो बना सकते हो, देख सकते हो। बाकी ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो सही बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, अगर हम अंदर जाते भी हैं ऊपर से कुछ चीज़ गिरती है लग जाएगी, सर फट जाएगा, तो ये व्लॉग जो है एक ही व्लॉग आएगा, फिर अगला व्लॉग नहीं आएगा। तो देखते हैं, अभी हम कहीं और भी जाएंगे, नेक्स्ट व्लॉग कहीं और पे निकालते हैं, आज ही हम दूसरा व्लॉग निकालेंगे। सो गाइज, आई होप आपको मेरा व्लॉग ये अच्छा लगा होगा, तो आप प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।